नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इंसानी शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग के बारे में बताऊंगा, जिसकी क्या इम्पोर्टेंस है और जिसका सही से देखभाल ना होने के कारण समय के साथ साथ हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती है और उसके क्या क्या परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि उस अंग का अंत तक देखभाल करने का सबसे सरल और कारगर उपाय क्या है। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कीजिएगा। वैसे तो इंसानी शरीर का हर एक अंग ही काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जीने के लिए, पर इन सभी में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है वो है हमारा लीवर। अब आप सोच रहे होंगे कि हैं रियली? तो मैं बता दूं, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जुड़ी जितनी छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियां किसी इंसान को अगर होती है तो उसका कुछ ना कुछ या पूरा पूरी संबंध हमारे लीवर से जुड़ा रहता है। और ब्रेन के बाद लीवर ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, मतलब ऐसा समझ लीजिए इसे सेकेंड ब्रेन भी हम कह सकते हैं। जैसे किसी इंसान का दिमाग खराब होने पर वो पूरा बेकाबू हो जाता है, बवाल मचा देता है, ठीक उसी प्रकार से अगर लीवर में ज़रा सी भी खरोच आई तो वो हमारे जीवन में पूरा बवाल मचा सकता है और कई बार तो जीवन भी ले लेता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पर आज के इस अटपटे माहौल में सभी, इनफैक्ट बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हमेशा कहते तो रहते हैं कि लीवर का ध्यान रखो, लीवर का ध्यान रखो भाई, पर सही मायनों में रखता कोई नहीं है। इनफैक्ट वो डॉक्टर्स भी खुद नहीं रखते और इसी चक्कर में लीवर के साथ इतनी ज़्यादा बदसुलूकी कर देते हैं कि उसका बुरा परिणाम आने वाले समय में लोगों को भुगतना पड़ जाता है। अब जो मैंने बदसुलूकी की बात की वो कुछ इस प्रकार होती है कि हम आज के वक्त में इतना ज़्यादा गलत और इतना ज़्यादा केमिकलाइज्ड खानपान को अपना लिए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। एक साल का बच्चा से लेकर 80 साल के वृद्ध इंसान, हर कोई इस मायाजाल में फंसा पड़ा है। हम इतनी ज़्यादा नॉनवेज, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, पैकेटेड रिफाइंड फूड, प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट के प्रति खुद को आत्मसमर्पित कर चुके हैं कि जिसके कारण हमारा लीवर फैटी लीवर बन जाता है। पर फिर भी हम रुकते थोड़ी हैं, उसके बाद भी हम कंटिन्यूसली वही सारे जहरीले खान पान का निरंतर सेवन करते रहते हैं, जिसके कारण बाद में चलकर लीवर सीरियोसिस से लेकर लीवर कैंसर तक हो जाता है और फिर बाद लीवर ट्रांसप्लांट तक चली जाती है। और उसके बाद इंसान की आयु बढ़ती नहीं है भैया, उल्टा और घट जाती है। और जितने दिन तक भी वो इंसान जिंदा रहता है उसकी जीवन पूरी नर्क बन के रह जाती है। लीवर प्रॉब्लम के कारण हमारा खून सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, उसमें टॉक्सिन जमा हो जाता है और वही टॉक्सिक खून शरीर के हर एक अंग में घूमता है, जिसके वजह से किडनी में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, आंतों में प्रॉब्लम, ब्रेन में प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और उसके वजह से हम डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अल्सर, कैंसर, थायराइड प्रॉब्लम, माइग्रेन, PCOS प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, बाल झड़ना, दांत सड़ना, चर्म रोग जैसे भयानक रोगों से पूरे ग्रसित हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों अभी तक आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि लीवर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और उसका देखभाल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब सवाल आता है कि क्या ऐसा सरल उपाय है जिसके ज़रिए हम लीवर को ठीक रख सके हमेशा। तो जिन जिन खानों से और पेय पदार्थों से प्रॉब्लम्स होती है उसे अगर आप एकदम कम करके उसके जगह अच्छे मात्रा में हर रोज़ नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर रोज़ 200 ml ग्रीन स्मूदी, पपीता, कच्ची हल्दी, नट्स, स्प्राउट्स और साग का सेवन करना शुरू कर दें तो इससे आपका खून भी साफ होने लगेगा और अगर किसी को लीवर इश्यू है तो उसके भी मैक्सिमम चांसेस बन जाएंगे रिवर्स होने के। पर अब फिर से वही सवाल आएगा कि इतने बिजी लाइफ और हेक्टिक स्केड्यूल में रहने के बाद हम इतना कुछ कैसे करें भाई, जिससे हमारा खून भी हमेशा साफ रहेगा, शरीर भी एकदम मस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा और लीवर भी एकदम तगड़ा रहेगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है, इसके लिए भी अल्टरनेटिव बहुत ही इजी सोल्यूशन है हमारे पास। फियोना हर्बल्स आपके लिए लेकर आया है अमृता एक्सट्रैक्ट, जो एक वर्ल्ड क्लास लीवर टॉनिक है और ये मिल्क थिसल, इंडियन एचिनेशिया, बर्डॉक रूट, कॉम्फ्रे और एलोवेरा से बना है। ये एक ऐसा चमत्कारी प्रोडक्ट है जो आपके खून में जमे टॉक्सिन्स को हर वक्त डिटॉक्स करने में मदद करता है, साथ ही साथ फैटी लीवर को क्योर करने में भी बहुत कारगर प्रोडक्ट है ये।
अमृता एक्सट्रैक्ट के और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे मलेरिया फीवर को ठीक करना, वजन घटाने में मदद करना, कब्ज की समस्या से मुक्ति दिलाना, पेट में हुई कृमि को नष्ट करना, बच्चों के मुंह के छाले को ठीक करना और विभिन्न प्रकार के चर्म रोग के भी समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। अमृता एक्सट्रैक्ट को प्रतिदिन प्रातः काल नींद से जगते ही बासी मुंह में एक चम्मच हाफ कप नॉर्मल पानी के साथ लेना है। और अगर किसी को हाइपर एसिडिटी की बहुत ज़्यादा समस्या है तो वो पहले 2 महीना फियोना शक्ति सुधा एक्सट्रैक्ट, फियोना इनडाइजेशन एक्सट्रैक्ट और फियोना नेचुरल प्लांट फाइबर यूज़ करें, फिर उसके बाद जाकर अमृता का सेवन करना शुरू करें। तो आशा करता हूँ दोस्तों अभी तक मैंने आप सभी को बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही सटीक जानकारी दी लीवर के बारे में और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आप सभी को अच्छे से मैं समझा पाया। तो दोस्तों अंत में मैं बस आप सभी से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि लीवर ट्रांसप्लांट तक या फिर लीवर के कोई बहुत भयंकर बीमारी होने तक बात ना पहुँच जाए, उसके पहले ही आप अपने फूड हैबिट्स, अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन करें, संभल के रहें। क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है लोगों को कि जिनकी लीवर ट्रांसप्लांट तक बात चली जाती है ना, या फिर उनके लीवर में कोई बहुत भयंकर बीमारी हो जाता है ना, उनकी जीवन नर्क बन जाती है, तबाह हो जाती है जीवन, कुछ नहीं बचता उसके बाद जीवन में। इसलिए समय रहते ही अपने लीवर का ख्याल रखें, देखभाल करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, उसके बाद जाकर आपको होश आए। इसीलिए समय रहते ही लीवर का ध्यान रखें, अच्छे से रहें, अच्छे फूड हैबिट्स में रहें और जितने भी प्रकार के टॉक्सिन्स फूड है उसको अपने जीवन से कंप्लीटली ओमिट कर दें। विश यू ऑल अ हेल्दी एंड अ डिजीज फ्री लाइफ। थैंक यू।